हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। आज अमेजोन में सेल हो रहा है ऐसा दो फोन के अंदर आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। एक है टेक्नो का पोवा 2 जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ। 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ 11,000 रुपया में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक फोन है। सेम टाइम हम लोग देखा सैमसंग का M21 2021 एडिशन के साथ भी एक कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि ये फोन 12,500 रुपया में नॉर्मली तो आपको देखने को मिलेगा, बट किसी ना किसी ऑफर में ये आराम से आपको 11,000 रुपया में मिल सकते हैं। हालांकि सेम टाइम टेक्नो पोवा 2 को भी अगर आप देखेंगे बैंक पर ऐड करके, ये फोन भी 10,000 रुपया में आपको मिल सकते हैं। तो दोनों फोन का कंपैरिजन करने का रीजन है, इस दोनों फोन के अंदर कुछ अच्छा खासियत है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो आपके लिए कौन सा फोन सही होगा ये भी आपको ये वीडियो से जानने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों, मेन वीडियो में जाने का पहले एक चीज बोल लेता हूं, हर बार जो है सैमसंग का M21 2021 एडिशन बोलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम भी होगा, बोल नहीं पाऊंगा ठीक से। तो इसलिए जो है जब भी सैमसंग M21 सिर्फ बोलूंगा ना, ये आप सोच लीजिए मैं सैमसंग M21 2021 एडिशन को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी लेकर बात करते हैं। तो इस बजट का फोन में प्लास्टिक बिल्ड ही मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में यही मिल रहा है, दोनों फोन ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आ रहा है, ग्लॉसी फिनिश दोनों का ही है, बट डिजाइन के मामले में टेक्नो पोवा 2 काफी आगे। देखिए सैमसंग का M21 2021 एडिशन का जो डिजाइन है ना, मुझको उतना पसंद नहीं है। स्पेशली कैमरा मैम का डिजाइन जो है काफी बोरिंग टाइप का डिजाइन है, एंड इसके साथ डिजाइन में और भी इंप्रूव हो सकता था। स्पेशली जो कलर एंड टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, ये और भी इंप्रूव किया जा सकता था इस बजट वाइज देखा जाए, बट ये चीज आपको इधर मिसिंग लग रहा है। एंड थोड़ा ओल्ड टाइप का लुकिंग का फोन देखने को मिल रहा है, बट सेम टाइम जो टेक्नो का पोवा 2 जो है, ये फोन को अगर आप देखेंगे, ये फोन का डिजाइन आज के दिन में अगर आप देखेंगे ना, इस बजट के अंदर काफी हद तक गेमिंग फोन की तरह आपको लुक प्रोवाइड करेगा। 12,000 रुपया वाइज देखा जाए तो 11,000-12,000 रुपया वाइज देखा जाएंगे तो ये फोन का डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन के अंदर आप आराम से रख सकते हैं। एंड डिजाइन के मामले में मैं टेक्नो पोवा 2 को थम्स अप देना चाहता हूँ। इसका बाहर में दोस्तों दोनों फोन का फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे। दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, दोनों में स्पीकर ग्रिल नीचे देखने को मिलेगा, दोनों में डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड आप सेम टाइम यूज कर पाएंगे। बट टेक्नो पोवा 2 है, इधर आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल बैक पैनल जो है आपको क्लीन लुकिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। सेम टाइम जो सैमसंग का M21 2021 एडिशन, इधर आपको पीछे देखने को मिल जाएगा फिजिकल फिंगरप्रिंट, ओवरऑल फिंगरप्रिंट का स्पीड भी आपको अच्छा खासा ही देखने को मिल जाएगा। इसका साथ अगर आप लोग दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज देखेंगे, दोनों में LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलेगा। टेक्नो पोवा 2 में जो है आपको eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है, बट सैमसंग के फोन में eMMC 5.1 या UFS 2.1 है ये मुझको क्लियर नहीं है। जितना लग रहा है इधर eMMC होगा, अगर UFS होता है तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए, मुझको पता नहीं। अगर UFS होगा तो बहुत ही ज्यादा थम्स अप, मतलब बहुत ही ज्यादा थम्स अप सैमसंग को अगर इस बजट में UFS देता है तो, आगे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए दोस्तों वीडियो में, मतलब चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर के रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी चीज़ जानना है, कुछ भी सजेशन करना है, नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का आंसर जरूर देने के लिए ट्राई करूंगा। इसके साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ये वीडियो जितना ज्यादा लाइक होगा ना, ये वीडियो का व्यू गेन करने में उतना ही ज्यादा हेल्प होगा, तो ये सब काम प्लीज कर लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग दोनों फोन के डिस्प्ले के ऊपर गौर करते हैं, जिसमें जो है सैमसंग सबसे ज्यादा एडवांटेज लेता है इस बजट के अंदर। तो टेक्नो पोवा 2 में जो है आपको देखने को मिलेगा फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का एक FHD प्लस, मतलब फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का IPS LCD डिस्प्ले। इधर जो है आपको एक पंच होल देखने को मिलेगा डिस्प्ले का बीच में ऊपर साइड में, एंड ये डिस्प्ले जो है 6.95 इंच का साइज है, मतलब काफी बड़ा साइज का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। हालांकि मुझको इतना बड़ा डिस्प्ले पसंद नहीं है, मैं कॉम्पैक्ट डिस्प्ले का पसंद करता हूं, बट सेम टाइम अगर सैमसंग का M21 2021 एडिशन को देखेंगे, ये फोन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा एक फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड जो इस बजट के अंदर ये फोन में सबसे ज्यादा एक हाईलाइटेड फीचर होने वाला है। ये फोन का ये डिस्प्ले तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले 6.43 इंच का एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, इधर जो है आपको डियोड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में क्लियरली सैमसंग का एस एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब एमोलेड डिस्प्ले, तो सब कुछ लेकर आप देख सकते हैं
एमोलेड डिस्प्ले होने पर सैमसंग के पास एक एडवांटेज जा रहा है M21 के साथ। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का कैमरा के ऊपर गौर करते तो दोनों फोन में ही देखिएगा प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा अपर्चर 1.8 के साथ। बट सैमसंग का फोन में सैमसंग का खुद का GM2 सेंसर देखने को मिलेगा ISSL प्लस सेंसर 0.8 पिक्सल साइज के साथ, पिक्सल बिनिंग में 1.6 माइक्रोन का काम करती है। इसके बाहर में टेक्नो का फोन में देखेंगे और भी तीन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा जो कोई काम का नहीं है। एक 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा मैक प्रो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक AI सेंसर। टेक्निकली देखेंगे कोई काम का नहीं है, प्राइमरी कैमरा ही काम में आएगा। सेम टाइप अगर सैमसंग को देखेंगे, सैमसंग का फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने लगा जो इस बजट के अंदर एक अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है अगर आप फोटोग्राफी सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि 120 डिग्री के आसपास का FOV के साथ ये भी एक अच्छा आपको डे लाइट कंडीशन में काम में ले सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर ये फोन में भी है। फ्रंट की बात करेंगे तो टेक्नो का फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा बट सैमसंग का फोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी वाइज देखते दोनों फोन का कैमरा का एल्गोरिदम ऑब्वियसली अलग होगा। तो पिक्चर क्वालिटी में देख सकते हैं टेम्परेचर बोलिए, मतलब कलर टेम्परेचर बोलिए, ये सब में थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा बट ओवरऑल डिटेलिंग बोलिए, डायनामिक रेंज बोलिए, ये सब में मोर और लेस सिमिलर काइंड का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम जो मैं देखा सैमसंग का जो एल्गोरिदम है ना वो काफी अच्छा काम कर रहा है। इस बजट का फोन ही बोलिए, फ्लैगशिप को तो छोड़ ही दीजिए, इस बजट का फोन में भी एल्गोरिदम काफी अच्छा काम करते हैं, इसलिए देखेंगे पिक्चर क्वालिटी जो ओवरऑल काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाता है। जो स्पेशली HDR मतलब हाई डायनेमिक रेंज जो होता है वो काफी अच्छा कैप्चर तो कर ही लेता है, इसके साथ कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो ओवरऑल मुझको जो लगता है एडवांटेज थोड़ा सा सैमसंग के पास तो जाएगा बट मैं उतना कॉन्फर्म नहीं होकर नहीं बोल रहा हूँ, बट मोर और लेस सिमिलर काइंड का आपको दोनों फोन से पिक्चर क्लिक करते देखने को मिलेगा। दोनों में HDR ऑटो HDR की तरह फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। AI सीन डिटेक्ट बोलिए, AI ब्यूटिफिकेशन बोलिए, ये सब फीचर दोनों फोन से आपको मिलते देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड रिवर पोर्ट्रेट मोड तो है क्योंकि ये तो कॉमन चीज है, इसको बाहर में अगर आप देखेंगे दोनों में डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिलेगा जो लो लाइट में और भी इंप्रूव फोटोग्राफी क्लिक करने में दोनों फोन भी आपको हेल्प कर देगा। बट अल्ट्रावाइड लेंस सैमसंग का जो ये एडवांटेज है, डे लाइट में आप थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव का फोटो क्लिक कर सकते, वाइड फील्ड और व्यू आप कैप्चर कर सकते सेम फोटो के अंदर। तो ये सब लेकर जो लगता है सैमसंग के पास और भी एक एडवांटेज है, इधर भी डेडिकेटेड लो लाइट मोड प्रोबेबली काम करते आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल मुझको जो है अल्ट्रावाइड लेंस काफी अच्छा लगता है, तो मेरे लिए जो अल्ट्रावाइड लेंस है बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर की तौर पर इधर रहेगा। तो ओवरऑल देख सकते हैं बैक कैमरा वाइज, पिक्चर क्वालिटी वाइज देखेंगे मोर और लेस सिमिलर होते हुए भी सैमसंग के पास ज्यादा एडवांटेज जाएगा। फ्रंट कैमरा सेल्फी शूटर सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों मोर और लेस सिमिलर काइंड का पिक्चर देखने को मिलेगा। हाँ, आपको मेगापिक्सल काउंट वाइज सैमसंग का फोन काफी अच्छा मिल सकता है, हो सकता है डिटेलिंग के मामले में भी थोड़ा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग के फोन में, बट ओवरऑल दोनों से आपको अच्छा पिक्चर क्लिक करते देखने को मिल जाएगा। बट वीडियो रिकॉर्ड की बात करेंगे तो टेक्नो का फोन में आपको 2K तक वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं 30 FPS के ऊपर, मेनली 180p 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। स्लो मोशन एंड टाइम स्लैप की तरह फीचर टेक्नो कोवर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। बट EIS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरा पास नहीं है, अगर है मतलब अगर आपको कॉन्फर्म है टेक्नो कोवर 2 में है तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं जो है टेक्नो कोवर 2 के अंदर EIS को दिया गया, तो मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। सेम टाइम जो है सैमसंग का M21 में आपको 4K तक आपको वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा एट 30 FPS, 180p 30 FPS के ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। जितना मुझको पता है इधर 180p 60 FPS का भी वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन है एंड इसका साथ साथ टाइम स्लैप स्लो मोशन की तरह फीचर का प्रॉपर सपोर्ट दिया गया एंड 180p के ऊपर जो EIS भी इधर काम कर रहा है, इतना मुझको अभी तक इन्फॉर्म है। तो सब कुछ लेकर देख सकते हैं वीडियो के मामले में थोड़ा बहुत एडवांटेज जो है सैमसंग के पास जाता है बिकॉज ऑफ 4K वीडियो रिकॉर्ड की तरह फीचर इधर होने पर। इसके बाहर में परफॉर्मेंस सेक्टर को अगर देखेंगे दोस्तों तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा टेक्नो कोवर 2 में, जो नो डाउट एक काफी अच्छा प्रोसेसर है इस बजट में। 2 लाख प्लस आपको बेंचमार्क देखने को मिलेगा एंटिटी के ऊपर। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल यूजर की तरह अगर आप गेम खेलते हो तो अच्छा गेम खेल पाएंगे, इधर आप कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी की तरह गेम मॉडरेट यूजर की तरह अगर खेलते हो 1-2 घंटे के लिए अच्छा आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल मल्टीटास्किंग जो है ये भी अच्छा आपको होते देखने को मिलेगा दोस्तों। बट सेम टाइम अगर सैमसंग का M21 एडिशन को देखेंगे इधर सैमसंग का खुद का एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो प्रोसेसर सैमसंग लास्ट 2-3 साल से काफी सारा फोन में यूज करते आ रहा है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा डिलीवर होते देखने को मिलेगा। 1,70,000-80,000 के बीच में नॉर्मली इसका बेंचमार्किंग स्कोर देखने को मिलता है एंड्रॉइड के ऊपर। एंड ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन गेमिंग के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली G80 से थोड़ा तो पीछे रहेगा एंड आप पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम जब खेलेंगे ये विजिबल होगा। बट ओवरऑल जो इस बजट में एज ए सैमसंग ब्रांड वाइज अगर देखेंगे ना ये भी एक अच्छा आपके लिए
वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज देखा जाएगा। दोस्तों इसका बाहर में अगर दोनों फोन का बैटरी की बार गौर करेंगे तो टेक्नो का फोन में मैसिव 7000 मिली एम्पियर की बैटरी है, बोला जाए तो एक पावर बैंक ही है ये फोन विथ 18 वाट का चार्जर एडाप्टर। हाँ चार्ज होने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, 3 घंटे से भी ऊपर टाइम लगेगा, बट परफॉर्मेंस जो बैटरी बैकअप वाइज ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा मिलने वाला है। इसको लेकर मैं जो है आराम से टेक्नो को थम्स अप देना चाहता हूँ। बट सैमसंग भी पीछे नहीं है, सैमसंग 6000 मिली एम्पियर की बैटरी दिया ये फोन में विथ 15 वाट का चार्जर एडाप्टर। तो इस मामले में मैं मानूंगा 15 वाट का चार्जर एडाप्टर को सैमसंग को तुरंत अपग्रेड करना चाहिए, मिनिमम 20 वाट का जो है एक चार्जर इनबॉक्स हर एक फोन में देना चाहिए, क्योंकि इस बजट का फोन में इससे काफी ज्यादा अच्छा आज के दिन में चार्जर इनबॉक्स दिया जा रहा है। तो सैमसंग को इसको लेकर काम करना चाहिए। बैटरी बैकअप जो है ओवरऑल एमोलेड डिस्प्ले है, तो अगर आप डार्क थीम के साथ ये फोन को यूज करेंगे काफी अच्छा बैटरी बैकअप ये फोन से भी आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल बैटरी के मामले में मोर और लेस सिमिलर काइंड का परफॉर्मेंस तो देखने को मिल जाएगा आपको। एंड लास्टली अगर दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एंड यूआई देखेंगे जिसमें सैमसंग क्लियरली विनर है, बिकॉज देखिएगा जो टेक्नो पोवर 2 है इधर हाईओएस देखने को मिलेगा 7.6 हाईओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। तो हाईओएस बेसिकली जो है इन्फिनिक्स का जो एक्सओएस है ये सेम ओएस ही है, नाम अलग है। मोर और लेस मतलब आपको अगर बोलूं एक कस्टम यूआई वाइज काफी अच्छा तो है, बट इसके साथ अगर आप देखेंगे एक्सओएस हाईओएस में काफी अनवांटेड फीचर रहते हैं जो जरूरी नहीं है इस तरह का फीचर, जिसको नहीं देने पर और भी लाइट एंड अच्छा यूआई हो सकता है। इसका साथ UI में ऐड आने की तरह प्रॉब्लम है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, एंड ऐड जो UI में आने पर एक्सपीरियंस खराब करते हैं। अनवांटेड नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर बिकॉज ऑफ कुछ ऐसा ऐप्स आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जरूरी नहीं है ऐसा ऐप्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब को लेकर जो है मुझको XOS या HiOS उतना पसंद नहीं है। सेम टाइम सैमसंग का M21 2021 एडिशन में One UI 3.1 देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। One UI एक कस्टम UI है, इधर भी काफी सारा तरह तरह का एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन का फीचर रहता है जो यूजफुल फीचर है, एंड इसके साथ ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस जो होता है One UI के साथ आज के दिन में काफी अच्छा UI के अंदर आप रख सकते, 3-4 टॉप UI के अंदर इसको आराम से आप रख सकते। सब कुछ लेकर UI मैं ऑब्वियसली सैमसंग के साथ ही जाना पसंद करूंगा। तो ये है ओवरऑल कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए आपको आप डिसाइड करना है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा देखिए अगर आप सिर्फ कंटेंट वाचिंग के लिए ले रहे हो, मतलब आपको सिनेमा देखना है ये सब या यूट्यूब में वीडियो देखेंगे ये सब के लिए, यानी इसके साथ अगर मेनली फोटोग्राफी के ऊपर फोकस करें ये सब काम के लिए अगर लेना चाहते हो फोटोग्राफी या कंटेंट वाचिंग, मैं बोलूंगा ऑब्वियसली आप सैमसंग के साथ ही जाइए। फोटोग्राफी के लिए 48 मेगापिक्सल का कैमरा साथ अल्ट्रावाइड लेंस एक बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है, क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता है। एंड डिस्प्ले के मामले में एमोलेड डिस्प्ले तो कंटेंट वाचिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा होने वाला है। बट ओवरऑल अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है 10,000 रुपया वाइज देखा जाए तो टेक्नो पोवर 2 आज के दिन में 10,000-11,000 जो भी है इस बजट में भी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए चॉइस हो सकता है। तो डिसाइड आपको करना है, दोनों फोन ही अच्छा है। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया 50 और जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है ना नीचे कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के आंसर देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, प्लीज कमेंट कीजिए कुछ भी जानना है तो। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में काफी हेल्प हो जाएगा। एंड इसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर नहीं तो जो भी नया फोन लेने के लिए सोच रहे हो इस बजट के अंदर सभी के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।